जिंदगी में ऑलमोस्ट सब कुछ बाय एक्सीडेंट हुआ, एक्टिंग भी, और आज जहाँ पर वो है शायद उन्होंने कभी इस बात को लेकर सोचा भी नहीं था, ध्यान भी नहीं दिया था, लेकिन जब कुछ हो जाता है तब उसे प्यार करना, उस स्पेस को ओन करना आपका फ़र्ज बन जाता है। बात कर रही हूँ राशि खन्ना से, और मोमेंट है रुद्र का। अभी अभी ट्रेलर देख करके निकली हूँ और अमेजिंग, थैंक यू, बहुत ही इम्प्रेसिव, बहुत ही अलग, और थोड़ा पागलपन जी इतना ही समझ पाई हूँ। आगे समझाने के लिए राशि खुद है जी। क्या कुछ हुआ रुद्र में? रुद्र एक्चुअली थ्रिलर टेम्परेट पे चलती है, ऑफ कोर्स एवरीवन नोज इट्स अ थ्रिलर, लेकिन इसमें पागलपन जैसे आपने बोला थोड़ा सा है, वो पागलपन मैं लेके आती हूँ थ्रिलर में, और मैं जब भी आती हूँ आई थिंक लोगों के चेहरे पे एक स्माइल होगी या यू नो एक एंटिसिपेशन होगी कि ये किरदार कब आएगा ऑन स्क्रीन। तो आई थिंक इसमें काफ़ी सारे एलिमेंट्स हैं जो एक थ्रिलर को बहुत इंटरेस्टिंग बनाते हैं, और इसीलिए शायद मैं भी और लोगों की तरह इस शो का वेट कर रही हूँ। तो कितना डर या कितना खौफ कहूँगी या कितना मुश्किल घड़ी होता है अजय के लिए एज रुद्र टू फेस आलिया? आई थिंक उनके लिए, उन्हें लगता है उनके लिए आसान होगा क्योंकि उन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी क्रिमिनल्स के साथ निकाली है, उनका क्रिमिनल माइंड की तरह पुलिस, वो ऐसे ऑफिसर हैं जिनका दिमाग क्रिमिनल्स की तरह चलता है, लेकिन जब मैं उन्हें मिलती हूँ तो आई थिंक वो भी थोड़ा हिल जाते हैं, उन्हें लगता है आसान होगा लेकिन बिल्कुल भी आसान कोई नहीं है, कोई है जो थोड़ा मैच करता है उनको। जी आप यहाँ रहती नहीं है जी, बहुत सारा काम यहाँ भी हो रहा है, बहुत सारा काम साउथ में भी हो रहा है। मैं थोड़ा पढ़ रही थी इनके बारे में, तो कभी दिल्ली, कभी हैदराबाद, कभी मुंबई, ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे वो अपना अपनी छाप छोड़ने में नाकामयाब रही हो। सो हैदराबाद इज़ ए होम, राइट? यस, तो फिलहाल मेरा एक घर हैदराबाद में है, एक दिल्ली में है, और अब मैं बॉम्बे में भी आ रही हूँ क्योंकि अब और ही सेंस बनाता है कि अब यहाँ पर भी काम है तो यहाँ पर भी एक घर होना ही चाहिए। तो एक यहाँ बेस है, एक हैदराबाद में है, वहाँ से चेन्नई जाती हूँ, फिर दिल्ली आती हूँ, तो मैं हर जगह घूमती ही रहती हूँ। खुद को दिल्ली वाली कहलाना पसंद है, साउथ इंडियन कहलाना पसंद है, या फिर अब तो मुंबई? जी आई थिंक मैं बिलोंग करती हूँ इन जगहों पे, पर मैं बिलोंग नहीं भी करती हूँ। तो अब मेरे से कोई पूछे कि आप कौन हैं, आप कहाँ से हैं, तो शायद मैं जवाब नहीं दे पाऊँगी क्योंकि कितने साल मैं पली बड़ी दिल्ली में, उसके बाद मैंने हैदराबाद में काम करना शुरू किया, और वहाँ पे लोग मुझे तेलुगू, दे कॉल यू तेलुगु अम्माई, तो आप तेलुगु लड़की बन गई वहाँ जाके। वहाँ तो प्यार भी अलग जी, है ना? वहाँ बहुत प्यार दिया, तो मुझे खुद भी लगा कि मैं जैसे तेलुगु लड़की बन गई, और फिर सडनली अब ये वापस हिंदी आया तो मैंने कहा अरे अब यू नो बैक टू योर रूट्स अगेन। तो अब मैं ये सवाल का जवाब दे नहीं पाती, बट हाँ ऑफकोर्स मेरी पैदाइश दिल्ली की है तो मैं दिल्ली वाली लड़की हूँ, और या आई मीन इट्स ग्रेट, इट्स रियली, इट फील्स रियली नाइस कि बहुत सारे शहरों में वो मुझे अपना समझते हैं। बिल्कुल, और वर्क फ्रंट तो मतलब जब आप काम कहीं कर रहे हो सो यू हैव टू ओन द प्लेस एंड यू हैव टू बी देयर। रुद्र के बारे में एक बार वापस आऊँगी, लेकिन उससे पहले और भी बहुत सारा काम यहाँ पर जो है राशि वो देखने को मिलेगा। आप शाहिद के साथ भी एक वेब सीरीज़ कर रही हैं, रुद्र एक वेब सीरीज़ है, योद्धा कर रही हैं सिद्धार्थ के साथ जो बड़े पर्दे पर हम देख पाएंगे, सो लॉट ऑफ वर्क हियर। अपार्ट फ्रॉम दैट साउथ में भी चल रहा है, सो अगर आप कुछ बात करना चाहें। देखिए मैंने अपनी लाइफ में कभी प्लान नहीं किया था कि मैं जैसे आपने बोला बाय एक्सीडेंट में हर जगह पहुंच गई, तो जहाँ जहाँ मुझे लाइफ ले गई या अपॉर्चुनिटीज़ ले गई मैंने बस उसको फॉलो किया। मैंने साउथ में करियर बनाया, साउथ में पिक्चरें करी, और कभी सोचा नहीं था कि वापस हिंदी में करूँगी क्योंकि मैं शायद बहुत कम्फर्टेबल थी उस स्पेस में कि हाँ यहाँ पर कर रही हूँ, अच्छा कर रही हूँ, इज्जत कमा रही हूँ, वही काफ़ी है। लेकिन आई थिंक भगवान के बहुत अलग प्लान्स थे, तो जैसे मुझे शाहिद की सीरीज सबसे पहले मिली तो दैट वॉज़ अ ब्लेसिंग बिकॉज वो खुद ही एक डायनामिक डुओ हैं राजन डी के और शाहिद, सबको पता है बहुत अच्छे एक्टर हैं, तो वो एक पहली अपॉर्चुनिटी मिली तो हिंदी में आने की, तो मैंने वो पकड़ी बिकॉज वो पूरा सीरीज पहला सीजन शायद कंप्लीट जी हो जी गया है जी आपका। और सबसे पहले मैंने वही साइन करी थी हिंदी में, तो मुझे लगा अरे वाह इससे मैं वापस आऊँगी, लेकिन उसके बाद ये मिल गया और ये पहले आ रहा है, मतलब दिस इज़ रिलीजिंग फर्स्ट, तो ये भी एक बहुत ही अमेजिंग कैरेक्टर के साथ, इतने बड़े सुपरस्टार के साथ काम करने को मौका मिला। आई थिंक वो भी, आई थिंक इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस, इट्स रियली नॉट माय डूइंग, इट्स ऑल गॉड्स ग्रेस। या मैंने पहले ही कहा कि बाय एक्सीडेंट आप आए हो जी। तो कभी मन नहीं था, कभी अटेंशन आपको अच्छा नहीं लगता या आप बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में कभी आना नहीं चाहती थी, और जब
वो मौका मिला, कैन यू टेल मी पहली बार जब लगा कि नहीं मेरा मेरी जगह वो है, यू नो लाइमलाइट में ही आना, दैट इज द प्लेस वेयर आई बिलोंग टू। जी, आप जहाँ बिलोंग करते हैं ना वहाँ आपको भगवान पहुँचा ही देते हैं, आप कितना भी वहाँ से भागे। तो जब मैं कॉलेज में भी थी तो मैं बहुत ही शर्मीली सी एक लड़की थी, फ्रंट बेंचर थी हमेशा, 90% से ऊपर अटेंडेंस, सब अच्छा, एकेडमिक्स बहुत अच्छी है। जी जी, तो मैं बहुत ही शर्मीली थी, मैं ज़्यादा बात नहीं करती थी, तो कभी मैंने फिल्मों के बारे में सोचा ही नहीं क्योंकि फैमिली में कोई था नहीं। तो जब मैं पहले ऑडिशन से भाग गई थी क्योंकि बहुत लोग थे वहाँ पे, तो मुझे लगा अरे मेरे से नहीं होगा, मैं डर के भाग गई। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी बहुत ही अमेजिंग रही है क्योंकि एज अ पर्सन आई हैव ग्रोन, आई हैव डेफिनेटली बिकम बेटर एज एन एक्टर। लेकिन पहली बार जब मैंने एक ऐड शूट किया था, मुझे याद है टाटा स्काई का, तो मुझे लगा अरे ये तो बहुत आसानी से मैंने कर लिया, शायद यही मेरे लिए ज़िंदगी है, ये शायद यही है जो यू नो मेरे लिए अच्छा है। लेकिन पहली मूवी की रिलीज़ के बाद मद्रास कैफे या उहलू गुसे गुसराड़ी जो तेलुगू में रिलीज़ हुई थी, उसके बाद जो अटेंशन मिली वो मुझे समझ नहीं आई। मुझे समझ लगे अरे इतना क्या है, और साउथ में तो आपको बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, वो अपना समझ लेते हैं। तो मुझे बहुत अनकम्फर्टेबल लगा इनिशियली, लेकिन नाउ टुडे आई एम्ब्रेस इट बिकॉज वो एक स्ट्रेंथ है, क्योंकि उनके बिना हम कुछ है ही नहीं, यू नो। तो अगर उनका साथ है तो ही हम आगे बढ़ सकते हैं। तो अब मैंने उसको एम्ब्रेस कर लिया, वो फेम को एम्ब्रेस कर लिया, लाइमलाइट को एम्ब्रेस कर लिया, और अब लाइफ बहुत ही बेहतर, अब इसके साथ ही चलना जी, है। जी जी। OTT का रास्ता, अब रुद्र का जो ट्रेलर है वो देख करके ऐसा लगा जैसे OTT में मसाला देखने को मिल रहा है, यू नो, और वो एक लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी है। जी। सो OTT का रास्ता आपके लिए क्या है, आप किस तरह से, बिकॉज आप फिल्में भी कर रही हैं, आप सीरीज भी कर रही हैं, सो अगर OTT के बारे में अगर कुछ देखिए, OTT में ये होता है कि आपका जो किरदार होता है वो एक्सप्लोर करने का ज़्यादा स्पेस है, बिकॉज सिर्फ एक मूवी में आप 2 घंटे 2.5 घंटे मैक्सिमम बैठ के देखते हैं, जिसमें आपका कैरेक्टर शायद 40 मिनट या 1 घंटा हो, या अगर इफ़ इट्स बेस्ड ऑन अ फीमेल देन पूरा किरदार आपके ऊपर लिखा जाएगा। लेकिन OTT में छोटे छोटे कैरेक्टर्स की भी बहुत अच्छे से उनके बारे में लिखा जाता है। तो आई थिंक अब एज ऑफ द एक्टर है जहाँ पे एक्टर्स जो हैं उनको बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं बिकॉज ऑफ OTT, जो शायद पहले नहीं मिली। तो इन अ वे पैरेलली सिनेमा के ये बहुत अच्छा एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे एक्टर्स को मौका मिल रहा है और ऑडियंस को भी you know, बहुत कुछ मिल रहा है देखने के लिए। तो ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन फिल्मों से भी बढ़ गई है, लाइक फिल्मों में जो वो एक्सपेक्ट करते हैं अब वो बढ़ गए, अरे हमने OTT में इतना देखा, अब इससे तो बेहतर होनी चाहिए फिल्म, तभी हम जाके देखेंगे, यू नो। तो यू आर सेइंग कि OTT ने अच्छा कंपटीशन दिया है बड़े पर्दे को, एंड यू आर गेटिंग गुड स्टफ। आई स्टिल फील कि वो फीलिंग जो पिक्चर देखने की है ना थिएटर में बैठ के, वो फीलिंग को कोई मैच नहीं कर सकता है, वो अलग है। बट ऑफ कोर्स OTT ने उसके बहुत प्रोज भी हैं, कॉन्स शायद कम है लेकिन प्रोज भी बहुत है। तो एक अच्छा, आई थिंक वो साथ चलें तो बेहतर है, यू नो, फिल्में और OTT। आप पीछे, आपके पास अभी 3 फिल्में शायद आप साउथ में भी है, जो नागा चैतन्य एंड धनुष, तो वो सारी फिल्में अब यहाँ इतनी आप बिजी हो गई हैं जी, तो वहाँ पर क्या उनको वक्त मिलेगा? जैसे मैंने कहा, मैं अभी भी कुछ प्लान नहीं कर रही कि यहीं पे करना है, वहाँ नहीं करना है, वहीं करना है। I'm open for everything जहाँ पे अच्छा काम ले जाए। अब वो मैं तमिल पिक्चरें भी अभी 2 कर रही हूँ, एक कार्ती के साथ, एक धनुष के साथ, तेलुगू में भी 2 हैं, इधर भी हैं। तो अभी अच्छा बैलेंस बना हुआ है, अब जो अच्छे किरदार हैं, अच्छी स्क्रिप्ट्स हैं, अच्छी स्टोरी टेलिंग मुझे कहाँ लेके जाती है मुझे नहीं पता, लेकिन आई एम टोटली ओपन टू गोइंग एनी प्लेस। रुद्र को लेकर के अगर आप कुछ और बता पाएँ अपने किरदार को लेकर, यू आर से जितना समझ में आया उतना है, आई अंडरस्टैंड दैट यू नो बियॉन्ड अ पॉइंट हम जी ना बात करें जी, तो जी। लेट पीपल वॉच द थिंग। मैं आपका एक्सपीरियंस अजय देवगन के साथ जी, या फिर एक्चुअली पहले दिन मैंने ये पहले भी बोला कि मुझे लगा अरे वो सुपरस्टार हैं, पता नहीं थोड़ा कैसे मैं बात करूँगी उनसे, क्योंकि ये जो किरदार लिखे गए हैं इन दोनों के, ये बहुत ही एक सर्टन केमिस्ट्री के साथ आते हैं, तो ये बहुत मुश्किल है प्ले करने के लिए, बिकॉज वो हमेशा उनको इंटिमिडेट करती रहती हैं ये कैरेक्टर। तो अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो शायद मैं कर भी ना पाती, मैं खुद ही इंटिमिडेट हो जाती। तो बिकॉज अजय सर अंडरस्टूड कि ये कैरेक्टर या ये किरदार बहुत मुश्किल है, ही मेड श्योर कि पहले दिन ही यू नो ही मेड मी फील वेरी कम्फर्टेबल कि अच्छा आजा क्या बोलना है, हम ऐसे बोल सकते हैं, हम ये कर सकते हैं। तो बॉडी लैंग्वेज में अपने आप यू नो आई बिकेम वेरी ईजी विद एवरी थिंग, ऑल थैंक्स टू हिम। और ये बहुत ही डाउन टू अर्थ है, आई डोंट थिंक वो वैसे स्टारडम को अपने दिमाग में रखते भी हैं, उनके लिए सिर्फ ये है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ, हाँ बस, यू नो माई लाइफ शुड जस्ट बी अबाउट फिल्म एंड ऑल दैट आई एम डूइंग। और
बहुत ही अच्छे इंसान लगे मुझे काम करके, मुझे बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके, तो वो एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. मेरे डायरेक्टर बहुत ही अच्छे हैं, वो हमेशा स्माइल करते रहते हैं, आप कभी नहीं देखेंगे कि उनका शक्ल बनी होगी, लाइक वो हमेशा एक उनकी प्यारी सी स्माइल होती है उनके फेस पे, और वो एक म्यूजिशियन की तरह टेक्स देखते हैं, जब वो टेक देखते हैं तो उनका हाथ ऐसे चलता है, हाँ परफेक्ट कट यू नो. और काफ़ी बार जब मुझे खुद लगता था, मैं सर के पास जाती थी और मैं बोलती थी सर आप मुझे बताना अगर मैं ओवर एक्टिंग तो नहीं कर रही, बिकॉज इस किरदार में आप ओवर एक्टिंग कर सकते हैं, आपको लगेगा नहीं लेकिन आप कर सकते हैं. तो आई टोल्ड हिम, आई सेड सर आप प्लीज़ मुझे बताना कभी भी आपको लगे कि मुझे कम करना है मीटर या बढ़ाना है मीटर, क्योंकि इसके साथ बहुत कुछ सही हो सकता है और बहुत गलत भी जा सकता है. तो ही वॉज़ अ ग्रेट सपोर्ट टू मी एंड आई थिंक उनको मेरे में ज़्यादा फेथ था कि मैं पुल कर लूँगी, उतना मुझे भी नहीं था बिकॉज मैं नर्वस हो जाती थी, बट आई वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस ऑन द होल. लास्टली आपका टेक अवे क्या है रुद्र से? जी मैंने, मुझे थ्रिलर्स बहुत पसंद है, तो टेक अवे यही है कि एक इंसान को उसके सर्कमस्टांसिस बनाते हैं जो वो बनते हैं, तो हम जज ना ही करें तो बेहतर है. हम यहाँ बैठ के किसी को भी जज कर सकते हैं लेकिन हमें नहीं पता कि उनके सर्कमस्टांसिस क्या हैं. तो ऑब्वियसली आई ग्रू एज अ पर्सन, आई अंडरस्टूड दैट अबाउट माई कैरेक्टर एंड अबाउट ऑल द क्रिमिनल माइंड्स जो हम देखते हैं कि वो क्यों ऐसे बने या क्या हुआ और कैसे ये सब कैट एंड माउस चलता है. तो बहुत, देयर वाज अ लॉट ऑफ इनसाइट अबाउट अ लॉट ऑफ स्टफ फॉर मी पर्सनली. And yeah, I definitely grew as a person also. Yeah. शाहिद के साथ जो सीरीज है वो कब तक देखने को मिलेगा? जी मुझे भी कोई आइडिया नहीं है, मैं भी बहुत वेट कर रही हूँ. आई थिंक बाय द एंड ऑफ दिस ईयर आ जानी चाहिए, इस साल तो ज़रूर आएगी, कब आएगी वो पता नहीं. थैंक यू सो मच राशि, और बहुत ज़्यादा वक्त अब आप यहाँ दिखेंगी हमें, चाहे वो बड़ा पर्दा हो छोटा पर्दा हो, OTT हो, वेयर एवर वर्क शुड स्पीक. यस यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच. थैंक यू.